नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दुष्यंत कुमार और स्वागत है दोस्तों आपका डीके नॉलेज चैनल में। दोस्तों देखिए, आज आपके लिए एक महत्वपूर्ण चैप्टर लेकर आए हैं जो संबंधित है संयुक्त राष्ट्र संघ से। दोस्तों देखिए, बात कर लेते हैं संयुक्त राष्ट्र संघ के बारे में। दोस्तों संयुक्त राष्ट्र संघ से एक या दो क्वेश्चन जरूर परीक्षा में पूछे जाते हैं, इसलिए ये हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है और इससे संबंधित जितने भी आपके महत्वपूर्ण पॉइंट हैं वो सब क्लियर हो जाएंगे। तो बात कर लेते हैं दोस्तों इसके बारे में। और दोस्तों अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स के माध्यम से मुझे अपनी राय बताएं। और दोस्तों अगर मेरे चैनल पर आप पहली बार हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें और साथ में बेल आइकन भी दबाएं जिससे कि आपको नई नोटिफिकेशन मिल सके। तो बात कर लेते हैं दोस्तों देखिए यूएनओ के बारे में। सबसे पहले बात कर लेते हैं इसका जो फुल नेम है वो क्या है। देखिए फुल नेम की बात करें तो यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, इसका ये नाम है। और इसे अगर हिंदी की बात करते हैं तो हिंदी में इसका नाम है संयुक्त राष्ट्र संघ, संयुक्त राष्ट्र संघ। अब देखिए बात कर लेते हैं स्थापना के बारे में। देखिए सबसे पहले है जब हमारा प्रथम विश्व युद्ध हुआ, यानी फर्स्ट विश्व युद्ध हुआ, युद्ध के बाद एक संगठन की स्थापना हुई, कितनी सन में, 1929 ईस्वी में। और यह संगठन क्या था, इस संगठन का नाम था राष्ट्र संघ। क्या था, राष्ट्र संघ। यह संघ इतना प्रभावी नहीं रहा, इसी के स्थान पर 24 अक्टूबर 1945 ईस्वी को जो विजित राष्ट्र थे, अर्थात जो सेकंड विश्व युद्ध हुआ था उसमें जीतने वाले जो राष्ट्र थे, जो देश थे, उन्होंने ही मिलकर के 24 अक्टूबर 1945 को यूएनओ की स्थापना की, यानी संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना की। अब देखिए इसकी बात कर लेते हैं कि इसका संस्थापक कौन है। पूछ लेता कि संस्थापक कौन है, तो संस्थापक है देखिए उस समय के तात्कालिक अमेरिकी राष्ट्रपति, जिनका नाम था फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट, ठीक है, ये संस्थापक थे। तो इन्होंने ही इसकी यूएनओ की स्थापना की। अब देखिए यूएनओ की जो स्थापना जब की थी उसमें कुल कितने देश थे, तो देखिए जब यूएनओ की स्थापना हुई थी 50 देशों के हस्ताक्षर इसके अधिकार देशों के हस्ताक्षर इसके अधिकार आधिकारिक पत्र पे हुए थे 50 देशों के। लेकिन 51वां जो देश था पोलैंड, यानी 51वां देश पोलैंड, यानी ये थोड़ा सा बाद में जुड़ा, इसके लिए रिक्त स्थान, सिग्नेचर के लिए रिक्त स्थान छोड़ दिया गया था। तो कुल मिलाकर जब इसकी स्थापना हुई कुल 51 देशों ने हस्ताक्षर किए और जो 51वां देश था हमारा वो पोलैंड था। क्या था, पोलैंड। बहुत पूछा जाता है कि संयुक्त राष्ट्र संघ में 51वां जो देश था वो कौन सा था, पोलैंड था। अब देखिए बात कर लेते हैं वर्तमान की स्थिति कि अगर वर्तमान में बात करते हैं तो वर्तमान में कुल कितने देश हैं, वर्तमान में, तो वर्तमान में दोस्तों 193 देश इसमें सम्मिलित हैं, अर्थात 193 देश जुड़े हुए हैं। और बात कर लेते हैं देखिए 2006 से पहले या 2006 तक इसमें जो 192 देश थे, तो 193 जो देश है, यानी 193 कौन सा देश है भाई, 193 जो देश है वो कौन सा, ये भी पूछ सकता है कि 193 देश कौन सा, क्योंकि ये अभी जुड़ा है, ज्यादा दिन नहीं हुए हैं। तो इसका नाम है भाई दक्षिणी सूडान। क्या है, दक्षिणी सूडान। तो ये जो है भाई दक्षिणी सूडान 193 देश है। अब देखिए बात कर लेते हैं कि इसकी जो मतलब झंडे की, कि इसका जो झंडा है उसकी जांच हम कैसे करेंगे। देखिए जैसा कि हमारी गेहूं की बालियां होती हैं, इसी तरह से जैतून की दो पत्तियों के बीच विश्व का मानचित्र है, यानी इसके मान, इसका जो वो है झंडा, यानी झंडे की हम पहचान कैसे करेंगे, दो जैतून की पत्तियों के बीच विश्व का मानचित्र बना हुआ भाई, यानी इससे पहचान हो जाएगी कि ये जो है मतलब यूएनओ का झंडा है।
ये आपको क्लियर हो गया। अब देखिए बात कर लेते हैं इसके अध्यक्ष, यानी वर्तमान में अध्यक्ष कौन है। अध्यक्ष इसे महासचिव भी कह सकते हैं, महासचिव तो कौन है भाई इस समय अगर वर्तमान की बात करें, महासचिव एंटोनियो गुतरेस एंटोनियो गुतरेस है। और ये कहां के हैं भाई, पूछ लेता है पुर्तगाल के, यानी एंटोनियो गुतरेस ये कहां के हैं, ये पुर्तगाली हैं, ठीक है। तो ये आपको क्लियर हो गया इतना। अब देखिए बात कर लेते हैं संयुक्त राष्ट्र संघ की भाषाएं, कि संयुक्त राष्ट्र संघ की कौन कौन सी भाषाएं हैं। देखिए भाषाओं की अगर बात करते हैं तो 6 इसकी आधिकारिक भाषाएं हैं, 6 भाषाएं आधिकारिक हैं। कौन कौन सी है भाई, इंग्लिश हो गया, दूसरा हमारा रशियन, तीसरा हमारा चाइनीज, चौथा हमारा फ्रेंच, पांचवा हमारा अरबी, और छठी है हमारी स्पेनिश। तो ये हमारी 6 आधिकारिक भाषाएं हो गई। अब 2 इसकी कार्यकारी भाषाएं हैं, 2 भाषा कार्यालय की भाषाएं, ठीक है। कार्यालय की भाषाओं को हम संचालन वाली भाषाएं भी कह सकते हैं। संचालन कहने का मतलब जिन भाषाओं में संचालन होता है वो 2 हैं। कौन कौन सी है भाई, वो एक इंग्लिश यानी अंग्रेजी, और दूसरी है हमारी फ्रेंच। तो ये 2 भाषाएं जो वो आधिकारिक भाषाएं हमारी, ठीक है। तो कुल इसकी भाषाएं देखिए 6 हैं, ये आधिकारिक भाषाएं हैं। हिंदी के लिए भी मतलब प्रयास जारी है कि हिंदी को भी इसमें सम्मिलित किया जाए, लेकिन अभी तक मतलब सक्सेस नहीं हुए हैं। लेकिन 6 भाषाएं ये वर्तमान में हैं, इंग्लिश, रशियन, चाइनीज, फ्रेंच, अरबी और स्पेनिश। और जो हमारी काम करने वाली भाषाएं हैं, कार्यकारी भाषा भी कह सकते हैं या कार्यालय की भाषा भी कह सकते हैं या संचालन करने वाली भाषा भी कह सकते हैं, तो इंग्लिश और फ्रेंच, यानी अंग्रेजी और फ्रेंच, ठीक है। तो ये भाषाएं हैं। अब देखिए बात कर लेते हैं इसके भागों के बारे में, कि इसके कितने भाग हैं, कितने पार्ट्स हैं, ठीक है। देखिए बात कर लेते हैं कि इसमें जो इसके जो भाग हैं वो कितने हैं। तो इसके मतलब कुल 6 भाग हैं। 6 कौन कौन से भाग हैं, देखिए एक एक करके बताता हूं आपको। एक है हमारा महासभा, क्या है महासभा, इसे जो है हम आम सभा भी बोल देते हैं, आम सभा भी बोल देते हैं, ठीक है। अब देखिए बात कर लेते हैं कि इसमें जो देशों की कुल संख्या कितनी है। तो टोटल 193 देश इसमें ज्वाइंट है, यानी 193 देश हैं, ठीक है। अब देखिए बात कर लेते हैं कि इसकी बैठक के बारे में। तो इसकी जो बैठक है वो सितंबर में शुरू होती है और दिसंबर में समाप्त हो जाती है, ठीक है। सितंबर में शुरू होकर दिसंबर में समाप्त हो जाती है। और इसे जो विश्व की संसद के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। यानी विश्व की संसद के नाम से भी इसे जाना जाता है, क्या महासभा जो, इसे आम सभा भी बोलते हैं। अब दूसरा जो इसका भाग है वो है सुरक्षा परिषद, क्या है सुरक्षा परिषद। अब देखिए बात कर लेते हैं कि इसमें देशों की संख्या, कुल देश कितने हैं भाई इसमें, 15 देश है, कितने 15 देश। अब 15 देश में भी देखिए 5 स्थायी देश हैं और प्लस 10 अस्थायी देश हैं। यानी इसके जो सदस्य हैं ये 10 जो हैं ये बदलते रहते हैं, जबकि ये कभी नहीं बदलते। यानी 5 जो देश हैं इसके स्थायी हैं और 10 जो देश हैं इसके अस्थायी हैं। अब देखिए बात कर लेते हैं स्थायी जो देश हैं वो कौन कौन से, पूछ लेता है। तो स्थायी देश हैं देखिए हमारा हो जाएगा अमेरिका, रूस, चीन, ब्रिटेन और हमारा हो जाएगा फ्रांस। तो ये 5 देश ऐसे हैं जिन्हें वीटो पावर प्राप्त है, वीटो पावर
प्राप्त है कि ना इन पांच देशों को। वीटो पावर क्या, ये भी समझ लें। तो वीटो जो है एक लैटिन भाषा का शब्द है जिसका मतलब होता है मैं निषेध करता हूं, ठीक है। यानी अगर कोई भी बिल पास होता है तो इनमें से अगर एक देश ने भी इंकार कर दिया तो बिल पास नहीं होगा, ऐसा कह सकते हैं। सिंपल रूप से समझे तो कोई भी बात है वो इनके बिना पास नहीं होगी, अगर एक ने भी इंकार कर दिया तो वो पारित नहीं होगा बिल कोई भी, ठीक है। तो ये वीटो पावर इन्हें पांचों को प्राप्त है। इसे क्या है, इसे विश्व की पुलिस के नाम से, विश्व का पुलिस भी कहा जाता है। किसे कहा जाता है भाई, सुरक्षा परिषद को विश्व का पुलिस भी कहा जाता है, विश्व का पुलिस इसे कहा जाता है, ठीक है। अब देखिए जो हमारा नंबर तीन है उसे देखते हैं। देखिए आर्थिक एवं सामाजिक परिषद। अब देखिए बात कर लेते हैं आर्थिक एवं सामाजिक जो परिषद संगठन है, मतलब ये इसकी शाखा है, तो इसमें कुल देश 54 देश हैं। कितने, 54 देश, और 54 देशों में से 18 सदस्य हर साल बदलते रहते हैं, ठीक है। यानी एक तिहाई कह सकते हैं, ठीक है। एक तिहाई जो सदस्य हैं इसके वो जो है हर साल बदलते रहते हैं। इसमें कुल देशों की संख्या 54 है, ठीक है। अब देखिए बात कर लेते हैं हमारा नंबर चार। नंबर चार है भाई हमारा सचिवालय। क्या है, सचिवालय। देखिए सचिवालय के अगर अध्यक्ष अध्यक्ष या फिर महासचिव की बात करें, मैं पहला बता चुका हूं लेकिन एक बार फिर बता दूं, तो वर्तमान की अगर बात करें तो एंटोनियो गुतरेस, एंटोनियो गुतरेस क्या है, ये पुर्तगाल के हैं और इस समय जो है ये वर्तमान में अध्यक्ष या महासचिव हैं, ठीक है, सचिवालय के। अगर ये कौन से वाले हैं भाई, कौन से नंबर के हैं, तो ये 9वें नंबर के हैं। और दोस्तों अगर बात करते हैं 8वें नंबर के, 8वें पूछ लेता है, तो ये थे वान की मून, वान की मून। अब ये कहाँ के थे ये भी पूछ सकता है, तो ये दक्षिणी कोरिया के थे, दक्षिणी कोरिया, यानी ये दक्षिणी कोरिया से थे, ठीक है। अब देखिए बात कर लेते हैं कि इन पहला कौन था, ये 8वां हो गए, ये 9वां हो गए, और पहला कौन था, तो देखिए पहला निगवेली, निगवेली। अब ये कहाँ से थे, ये नॉर्वे से थे। यानी सबसे पहले जो अध्यक्ष रह चुके हैं सचिवालय के तो निगवेली थे, ये कहाँ से थे, नॉर्वे से थे, ठीक है। तो ये जो है आपको इतना क्लियर हो गया। अब देखिए बात कर लेते हैं इसका जो पांच है, नंबर पांच है देखिए प्रन्यास समिति। तो ये प्रन्यास समिति जो है ये ऐसा मानिए कि वर्तमान में समाप्ति की ओर है, समाप्ति की ओर। तो जब समाप्ति की ओर है, इससे केवल इतना पूछा जा सकता है कि जो हमारे यूएनओ के भाग हैं उसमें कौन सा भाग समाप्ति की ओर है, तो आपको ये याद रखना है प्रन्यास समिति जो है वो समाप्ति की ओर है, ठीक है। अब देखिए जो हमारा छठा भाग है उसके बारे में बात कर लेते हैं। छठा भाग है हमारा अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, ठीक है। तो इसमें अगर बात कर लेते हैं, देखिए इसमें देशों की संख्या अगर बात करते हैं तो 15 देश हैं, ठीक है। अगर कार्यकाल की बात करें, कार्यकाल प्रत्येक का 9 वर्ष होता है, ठीक है। और इसमें भाई हमारे भारत के भी एक न्यायाधीश रह चुके हैं जिनका नाम था दलवीर सिंह, दलवीर सिंह भंडारी, दलवीर सिंह भंडारी, ये भारत के ऐसा कह सकते हैं कि न्यायाधीश अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में रह चुके हैं। अब देखिए बात कर लेते हैं कि इसका जो कार्यालय है वो कहाँ है, हेड ऑफिस कहाँ है इसका, ये भी पूछ लेता, तो द हैग, इसका हेड ऑफिस कहाँ है, द हैग, ये क्या है, नीदरलैंड में। ये बहुत पूछा जाता है कि इसका हेड ऑफिस कहाँ है, तो ये द हैग यानी नीदरलैंड में जो है इसका क्या है, हेड ऑफिस है। तो दोस्तों देखिए इससे संबंधित सब क्लियर हो गया। अब बात कर लेते हैं कि जो यूएनओ है उसके क्या कार्य हैं।
यूएनओ। देखिए कार्य क्या है, कानून व्यवस्था को बनाए रखना। अब देखिए जैसा कि मैंने शुरू में आपको बताया था, ये एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, तो ये पूरी दुनिया में अर्थात पूरी दुनिया में यह अंतर्राष्ट्रीय कानून व्यवस्था को बनाए रखता है। दूसरा है ये आर्थिक एवं सामाजिक उन्नति करता है, ठीक है, या करने का प्रयास करता है। विश्व में मानवाधिकारों की रक्षा करता, विश्व में मानवाधिकारों की रक्षा करता है, विश्व में स्वास्थ्य की देखभाल, स्वास्थ्य संबंधी देखभाल, विश्व में शांति व्यवस्था, विश्व में शांति व्यवस्था बनाए रखता है। और युद्ध वगैरह या ऐसी कोई भी आपदा संबंधी प्रॉब्लम होती है तो ये जो है उसमें भी हेल्प करता है, यानी भविष्य में कोई नरसंहार ना हो इसके लिए प्रयत्नशील, इसके लिए प्रयत्नशील, ठीक है। यानी कुल मिलाकर ये इसके जो मेन कार्य थे वो मैंने आपको बता दिए, और भी कई कार्य हो सकते हैं। तो दोस्तों देखिए आशा करता हूं कि आपको यूएनओ से संबंधित संपूर्ण जानकारी जो अधिकतर परीक्षाओं में पूछी जाती है मिल गई होगी। आशा करता हूं दोस्तों आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी, और दोस्तों अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ में बेल आइकन भी दबाएं, और कमेंट्स के माध्यम से मुझे बताएं कि दोस्तों मेरी वीडियो आपको कैसी लगी, और दोस्तों वीडियो को शेयर भी करें, लाइक भी करें, अपने दोस्तों में, अपने रिश्तेदारों में जिन्हें आप उचित समझे उनके लिए शेयर करें। मिलता हूं दोस्तों अगली वीडियो में इससे भी अच्छी वीडियो लेकर, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।